से मतलब ऑन बोर्ड आए आप दोनों साथ में? वेल आई ट्रूली फील इतने 20 साल से आई हैव बीन इन द टीवी इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक के एक एक्टर इज सो वेरी मल्टी टैलेंटेड यू नो हु कैन एक्चुअली सिंग एंड ही इज अ फैबुलस सिंगर. द मिनट आई हर्ड इट मुझे लगा था कि बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है एंड आई वॉज लाइक I would love to feature in it. So I'm really glad, Pearl, that... I'm glad. Pleasure is all mine. She's so beautiful. मैं अभी भी अपना गाना देखता हूँ तो मैं गाना नहीं सुनता, मैं बस इनको ही देखता रहता हूँ. मैं एक्चुअली बहुत नर्वस अभी भी हूँ क्योंकि पहला गाना है डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा. और पहला गाना आपको खुद ही नहीं पता होता क्योंकि जो आपके क्लोज वंस हैं आपके घर वाले हैं जैसा कि मैंने पहले कहा वो बोलते ही अच्छा है सारे बच्चे छोटा बच्चा थोड़ा हिल भी लेता तो बोलते हैं बड़ा अच्छा डांस करता है हमारा बच्चा. लेकिन आपको नहीं पता होता कि पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी. तो आई एक्चुअली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट डू यू रियली लाइक द सॉन्ग. छोटे बच्चे आप बहुत अच्छा गाते हैं. वेल इनिशियली जब हम साथ में शूट करते थे वी यूज टू शेयर द वैनिटी एंड हमेशा इसके वैनिटी से यू नो सोलफुल गानों की आवाज़ें आती थी एंड आई बी लाइक वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ एंड देन दिस वन फाइन डे ही वॉज प्लेइंग हिज ओन सॉन्ग एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड अनबिलीवेबल इट्स ब्यूटिफुल एंड देन ही एडिड के ही इज रिटन इट ही इज कम्पोज्ड इट ही इज बेसिकली इट्स हिज बेबी एंड आई वॉज लाइक अमेजिंग यू रियली मल्टी टैलेंटेड एंड यू शुड डू इट and that's how Peed Meri happened and I think it's a wonderful beautiful soulful song. Was the composition like aapke side se kuch help matlab aapne kuch help kiya tha koi ko ki kuch mujhe singing ke bare mein kuch nahi pata main bathroom singer bhi nahi hu lekin help inhone bahut help ki main batata hu inhone bahut help ki definitely. क्योंकि आप ना कुछ भी करने के वक्त आप अपने जो फ्रेंड्स होते हैं शी इज़ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. आप जब भी कुछ करने लगते हो तो आप सामने वाले से डिस्कस करते हैं यार करें क्या करें कि नहीं करें. यू नीड दैट मोटिवेशन. दैट मोटिवेशन वाज हर एंड शी ऑलवेज पुश्ड मी नहीं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं एंड ऑल दोज आइडियाज़ जब भी हम कुछ करने लगते थे चाहे वो अभी अब इस इवेंट से रिलेटेड हो या कहीं पे भी कुछ हो ऑलवेज कॉल ऐसा कर लें क्या नहीं ऐसा कर लें क्या. एंड साइमल्टेनियसली अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो शी हैज़ हेल्प अ लॉट. इतनी खूबसूरत लड़की आप मतलब अगर गाना मुझे अगर किसी को नहीं भी अच्छा लगता तो गाना उनको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि शी इज़ देयर इन इट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी आई फील ब्लेस्ड दैट शी इज़ देयर बिकॉज आप गाने के साथ ना जब भी आप वीडियो देखते हो कभी आप सिंपली कोई गाना सुनते हो तो एक अलग इंपैक्ट होता है. वीडियो देखने के बाद वो बहुत ही मुझे ही अपने गाने का बहुत अच्छा इंपैक्ट लगने लगा. तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा. डेफिनेटली ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली मुझे काम जैसा नहीं लगता. और अगर हम साथ में कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स मिलके कुछ पिकनिक पे जाते हैं फ्रेंड्स मिलके ट्रिप करते हैं कहीं घूमने जाते हैं ये वैसी सी फीलिंग है कि आप फ्रेंड्स मिलके कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है फिर आप उस चीज़ को दुनिया से शेयर करना चाहते हो कि देखो हमने एक अच्छी चीज़ की है आपको अच्छी लगती है तो आप बताइए हम करते रहेंगे. आई मीन एज एन एक्टर तो हम हमारा 100% देते हैं बट वेन योर फ्रेंड्स आई थिंक वर्क बिकम्स ईजियर मोर कम्फर्टेबल मोर कम्पैटेबल एंड दिस इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग सो आई थिंक इट रियली हेल्प्ड अ लॉट दैट वी आर रियली गुड फ्रेंड्स. डेफिनेटली और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगेन आई फील ब्लेस्ड बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. आप अब जब देखेंगे गाने को कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पंजाबी नहीं आती. शी इज़ कन्वेड इट सो वेल जो स्टोरी है हमारी जो आई फील कि शी इज़ द ओनली वन हु कैन डू इट एंड शी इज़ तारीफ ही करता रहूँगा मैं. एंड ऑनेस्टली आई लव रोमांटिक फिल्म्स. आई एम लाइक आई लव रोमांस आई लव रोमांटिक फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स. एंड जैसे ही मैंने सुना लाइक यू सेड काफ़ी टाइम से मैंने यू नो इस जॉनर में नहीं किया है एंड आई वॉज लाइक यू नो पर रोहित के साथ एक वीडियो किया था विच वॉज ऑल्सो रोमांटिक बट दिस ऑल्सो टू बी वर्किंग विथ अ फ्रेंड आई थिंक इट वॉज अमेजिंग एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इट्स ब्यूटिफुल. दिल दिया गल्ला सब तू जाने फिर
क्यों ना जाने पीड़ मेरी। हाँ जी जी, बहुत दर्द हर किसी की ज़िंदगी में होंगे। आई एम श्योर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या जो आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, प्यार भी हुआ होगा। तो जो लोग प्यार करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक हार्ट ब्रेक होता है, वो ज़रूर इस गाने से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके अनीता, हमने अभी अभी कॉल से पूछा था आपसे, मैं जानना चाहती हूं नारायण जी ऑफर जा रहा है, यू नो कितना मिस करेंगे। ओह, दिस थॉट इज़ ओनली स्केयरिंग मी, क्योंकि हम सब इतने क्लोज हो चुके हैं, इट्स लाइक द बॉन्ड इज टू अ डिफरेंट लेवल। वी आर ऑलरेडी प्लानिंग हॉलीडेज एंड कैसे हम शो खत्म होने के बाद मिलने वाले हैं, सो डेफिनेटली वी आर गोना मिस ईच अदर। But then luckily we're all in the same industry, we'll do some new work, great work, and our friendship will carry on further. Okay, recently actor Shri Devi ji ka gana jo hai usko remake kiya ja raha hai show mein, aise sun raha hai, uske baare mein kuch batana chahiye? I think it's a surprise, so main kuch zyada reveal nahi karna chahungi, so whatever it is I think they'll get to see. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you.